बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से खबरनामे के साथ मैं हूँ रिजवान रौनक। मैं हूँ नाज़िया खान। खेल का अहवाल मैं समी इकबाल आपके साथ शेयर करूंगा। और बदलते मौसम की खबरें लिए मैं हूँ अब्दुल कदीर। खबरनामे में फिल वक्त आपको वापस लिए चलते हैं मेंडस की जाने। और अब एक नजर हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म की सोशल मीडिया पर आर्मी चीफ पर कातिलाना हमले की मुहिम चलाने की शदीद मजम्मत। घटिया मजमूम और शरंगेज मीडिया मुहिम शैतानी जहन की मनसूबाबंदी का नतीजा है। कौम अपनी फौज और उसके सरबरा के साथ खड़ी है। मायूस अनासिर को बौखलाहट और मायूसी में मुल्क में नया बहरान पैदा नहीं करने देंगे। पाकिस्तान और उसके इदारों के खिलाफ हर साजिश को कुचल देंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मीडिया मुहिम चलाने वालों के खिलाफ अंदरूने और बैरूने मुल्क कानूनी इकदामात करने की हिदायत। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की मुल्क और रियासत के खिलाफ मुहिम वही पुरानी है, चेहरे बदल गए लेकिन एजेंडा एक ही है। चंद अनासिर बैरून मुल्क बैठकर मुल्क दुश्मनी और गद्दारी कर रहे हैं। तोशाखाना का ट्रायल शुरू हो रहा है, करप्शन के सबूत सामने आ रहे हैं, इसलिए एक और साजिश दरकार है। फितना मुल्क में लाशें, अफरा तफरी और फसाद चाहता है। अपना झूठ, साजिश और प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए चंद यूट्यूबर्स और व्लॉगर्स को प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। वज़ीर इत्तला'आत मरियम औरंग से। पंजाब के 25 अजला में चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और ताजर तंजीमों के वफ़द की निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी से मुलाकात। वज़ीर खजाना इसहाक डार की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। सनअतकारों और ताजर बरादरी ने मसाइल, तजावीज और सिफारिशात पेश की। मुल्क के डिफॉल्ट का कोई खतरा नहीं, मुश्किल वक्त और आजमाइशें खत्म होने वाली हैं, मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। वज़ीर खजाना इसहाक डार। भारत ने दरियाए रावी में 1,85,000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया। अगले 24 घंटे में जसड़ के मकाम पर 60 से 65,000 क्यूसेक पानी का रैला गुजरेगा। पीडीएमए की तरफ से अलर्ट जारी। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का दरियाए रावी में पानी की सूरत हाल का जायजा। दरिया के करीब आबादियों के इनखला का हुक्म। करीबी आबादियों में रिलीफ और मेडिकल कैंप्स कायम। मुतल्लिका इदारों को पानी का बहाव 24 घंटे मॉनिटर करने की हिदायत। आइंदा दो दिन के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की पेशगोई। लाहौर, सियालकोट और नारोवाल में मूसलाधार बारिश का इम्कान। रावी, चनाब और सतलुज और मुंसलिक नालों में तुगयानी का खदशा। एनडीएमए की इंतजामिया को अर्बन फ्लडिंग के पेश नजर हंगामी इकदामात की हिदायत। मुल्क में ज़राअत का फरोग हुकूमत की खुसूसी तवज्जो का मरकज। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव प्रोग्राम के तहत सेमिनार का इनेकाद कल होगा। ज़रई माहिरीन की बड़ी तादाद शिरकत करेगी। कॉर्पोरेट फार्मिंग के हवाले से जदीद तरीकाकार, सरकारी और निजी शराकतदारी और लाइव स्टॉक की उभरती मार्केट के मौजूदात जेर बहस। जो जो इस शरपसंदी में इन्वॉल्व थे उन सबको कटहरे में ला के उनका एहतसाब करना चाहिए। जब फौज ने अपने ही इदारे में एहतसाब किया है तो इधर भी बड़े बड़े जो मास्टरमाइंड थे उनका एहतसाब होना चाहिए। उसके खिलाफ पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ताकि मंजर-ए-आम पर आए वो शख्स। सजा मिलेगी तो आगे काम चलेगा ना, अगर इनको सजा नहीं मिलेगी तो कोई और आ जाएगा। 9 मई के वाकयात के तनाजुर में फौज का खुद एहतसाबी का अमल मुकम्मल। बिला तफरीक सजाएं देने पर अवाम की राय। जब पाक फौज ने अपने ही इदारे में एहतसाब किया है तो दूसरी जानिब भी बड़े मास्टरमाइंड्स का एहतसाब होना चाहिए। नौ मई के वाक़े में जब आशिक भाई को फ़ोन आया था कि हम जा रहे हैं आप उधर आ जाए, आज़म खान नियाजी का फ़ोन आया था, उसके साथ और डॉक्टर यास्मीन राशिद थी और एजाज़ चौधरी था, इन्होंने फ़ोन किया था कि हम उधर जा रहे हैं आप आ जाओ। यही फेसबुक में नफ़रत की सियासत देख के तो
इसलिए भाई गया होगा, हम तो जाते भी नहीं है। नौजवान नस्ल को ये पैगाम देंगे कि जो पाकिस्तान है वो हमारा है, पाक फौज जो है हमारी है, किसी और की तो नहीं है, हमारी हिफाजत के लिए वो। 9 मई में मुलविस आशिक नामी शरपसंद कानून की गिरफ्त में, शरपसंद के भाइयों की वाकयात की मजम्मत, मेरे भाई का सियासत से कोई लेना देना नहीं था, चेयरमैन पीटीआई के नफरत अंगेज फौज के खिलाफ बयानिए ने जहन साजी की, शरपसंद आशिक के भाइयों का बयान। वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले शहदा को पूरी कौम का सलाम। कैप्टन अम्मार हुसैन शहीद निहायत निडर और वतन पर मर मिटने का अज़्म रखने वाले जांबाज मुजाहिद थे, जिन्होंने दिफाई वतन की खातिर शहादत को गले लगाया। मोहतरमा फातिमा जिना की 56वीं बरसी, क़याम पाकिस्तान के लिए मादरे मिल्लत की अजीम खिदमात पर कौम का सलाम। मोहतरमा फातिमा जिना आज़ादी की जिद्दोजहद में कलीदी हैसियत रखती थी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का मादरे मिल्लत को खिराज अकीदत। गुज़श्ता 4 साल नालायक शख्स को मुल्क पर मुसल्लत किया गया, जिसने मुल्की मईशत को तबाही के दहाने पर पहुंचाया। पीटीआई हुकूमत ने आईएमएफ से मुआहिदा तोड़ा, मौजूदा हुकूमत ने आईएमएफ प्रोग्राम बहाल कराया, 3 अरब डॉलर का स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहिदा करने में भी कामयाब रही। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बिलाल अजहर कियानी। स्विट्जरलैंड के वज़ीर ख़ारिजा का एनडीएमए हेडक्वार्टर्स का दौरा, चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक से मुलाकात, कुदरती आफात के तदारुक और पेश की तैयारियों पर तबादला ख्याल, टेक्नोलॉजी के तबादले समेत डिजास्टर मैनेजमेंट मुआहिदे की बुनियाद पर मुस्तकबिल में तआवुन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मजहबी सियाहत के फरोग के हवाले से 3 रोजा गंधारा सिंपोजियम का आगाज मंगल से होगा। वज़ीर आज़म के बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के विजन के तहत सकाफती सिफारतकारी, गंधारा तहजीब और पाकिस्तान में बुद्ध मत वरसे के अहिया के मौजू पर सेमिनार होगा। जनूबी कोरिया, मलेशिया, चीन, थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम से अहम शख्सियात सिंपोजियम में शिरकत करेंगे। मकबूजा कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के मौके पर रियासती दहशतगर्दी में इजाफा, भारतीय फौजी तलाशी के बहाने जबरदस्ती घरों में घुस जाते हैं, मकीनों को हरासा करते हैं और घरेलू सामान की तोड़ फोड़ करते हैं, अहले इलाका सरापा एहतजाज। यूक्रेन को क्लस्टर बम भिजवाने के अमरीकी फैसले पर तनकीद, तमाम ममालिक क्लस्टर बमों से मुतालिक कन्वेंशन की पाबंदी करें, यूएन सेक्रेटरी जनरल। अमरीका का यूक्रेन को क्लस्टर बम देने का फैसला रूस मुखालिफ पॉलिसी का मजहर है, तर्जुमान क्रेमलिन। सूडान के मुतहारिब फौजी दड़ों के दरमियान जंग 12वें हफ्ते में दाखिल, फजाई हमलों में 22 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेज ने फौज को रिहायशी इलाकों में हमलों का जिम्मेदार करार दिया, अक्वामे मुत्तहिदा का खाना जंगी पर तश्वीश का इजहार। दुनिया के बुलंदतरीन पोलो ग्राउंड शिंदूर में 3 रोजा फेस्टिवल खत्म, फाइनल में चित्राल ए की गिलगित बल्तिस्तान ए के खिलाफ 5 के मुकाबले में 7 गोल से कामयाबी, मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की फेस्टिवल में बड़ी तादाद में शिरकत। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलने के लिए कौमी टीम कोलंबो पहुंच गई, पाकिस्तानी टीम 11 और 12 जुलाई को 2 रोज वार्म अप मैचेस खेलेगी, 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला मैच 16 जुलाई को गॉल में शुरू होगा। और लीड्स में एशिया सीरीज का 3रा टेस्ट, इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 3 विकेटों से शिकस्त दे दी, 5 मैचेस की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 2-1 की बढ़तरी, 4थे रोज इंग्लैंड ने 251 रन का हदफ 7 विकेटों पर हासिल किया, 4था टेस्ट 19 जुलाई से मैनचेस्टर में शुरू होगा।
متوازن 9 مئی کے منصوبہ سازوں اور سہولت کاروں نے سوشل میڈیا پر ملکی اداروں اور ان کے سربراہان کے خلاف مضموم مہم شروع کر رکھی ہے۔ حالیہ مہم میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر پر قاتلانہ حملے کی مضموم مہم چلائی گئی۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے ایسے عناصر کو دو ٹوک پیغام دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان اور اس کے اداروں کے خلاف ہر سازش کو چل دیں گے۔ تفصیل بتا رہے ہیں شاہ رخ شفیع۔ دوسرے ممالک میں بیٹھ کر سوشل میڈیا پر قومی سلامتی کے اداروں اور ان کے سربراہوں کے خلاف ہرزہ سرائی کی جا رہی ہے۔ سازشی ذہن اور عناصر ملک میں سیاسی و معاشی استحکام کے خلاف پھر سے سرگرم عمل ہیں۔ شہدا کے خلاف غلیظ میڈیا مہم چلانے والوں نے اب کی بار آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر پر قاتلانہ حملے کی مضموم مہم چلائی ہے۔ اس سے قبل لسبیلا میں ہیلی کاپٹر حادثے کے شہدا کے خلاف بھی ایک سیاسی جماعت کے کارکنوں کی جانب سے غلیظ مہم چلائی گئی، جس میں کچھ بھارتی سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ لسبیلا حادثے میں کور کمانڈر کوئٹہ لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی سمیت 5 افسران شہید ہوئے تھے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر پر قاتلانہ حملے کی سوشل میڈیا پر مہم چلانے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا 9 مئی کے دن ایسے ہی ذہن سازی کی گئی تھی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آرمی چیف اور فوج کے خلاف گھٹیا مضموم اور شرنگیز میڈیا مہم شیطانی ذہن کی منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے کہا فوج اور اس کے سربراہ کے خلاف میڈیا مہم آزادی اظہار نہیں بلکہ صرف سازش ہے، جسے پوری قوت سے روکنا قانونی فرض ہے۔ قوم اس گھنونی سازش کو بھی اسی طرح ناکام بنائے گی جس طرح 9 مئی کو ملک میں خانہ جنگی کی سازش ناکام بنائی تھی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ قوم اپنی فوج اور اس کے سربراہ کے ساتھ کھڑی ہے۔ مایوس عناصر کو بکلاہٹ اور مایوسی میں ملک میں نیا بحران پیدا نہیں کرنے دیں گے۔ وزیر اعظم نے متعلقہ اداروں کو میڈیا مہم چلانے والوں کے خلاف اندرون اور بیرون ملک قانونی اقدامات کی ہدایت کی ہے۔ پوری قوم نے جناح ہاؤس اور قومی تشخص کی حامل تنصیبات پر حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ایسے عناصر جو کھلی ملک دشمنی پر اتر آئے ہیں، ان کو جلد از جلد قرار واقعی سزا دی جائے۔ شاہ رخ شفیع، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ پی ٹی آئی نے اپنے دور حکومت میں تمام اداروں کو بری طرح تباہ کیا اور ملک میں نفرت کے بیج بوئے۔ ریڈیو پاکستان لاہور میں مختلف منصوبوں کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسکرین ٹوریزم کے ذریعے پاکستان کا مثبت بیانیہ اجاگر ہوگا۔ تفصیل بتا رہے ہیں عاصم نذیر بھٹی۔ ریڈیو پاکستان لاہور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے کہا کہ ایک خاص گروہ سوشل میڈیا کے ذریعے ملک میں نفرت پھیلا رہا ہے، حکومت اور اداروں کے خلاف پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو نفرت کی بجائے مثبت ذرائع ابلاغ کے ذریعے ان کی ذہن سازی کی جائے گی۔ اس طرح ہر ادارے کو تباہ کیا گیا، 4 سال نہ پی ٹی وی چھوڑا گیا، پی ٹی وی کو اے اسپورٹس کے حوالے کر دیا، پی ٹی وی اسپورٹس کو، تاکہ یہ ادارہ برباد ہو جائے اور کسی طرح اس لیول پر آ جائیں جو اس وقت کے وزیر تھے کہ اس کی نیلامی ہو جائے۔ آپ کو یاد ہوگا پہلی دفعہ جو پارلیمان کے اندر نعرہ لگا تھا کہ پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان کی عمارتوں کو اور ان دونوں اداروں کو نیلام کر دینا چاہیے۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ ملکی سینما ہاؤسز مختلف وجوہات کی بنا پر پٹرول پمپس اور شادی ہالز میں تبدیل ہو گئے۔ انڈسٹری کو بحال کرنے کے لیے حکومت نئی فلم پالیسی لے کر آئی ہے۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ اسکرین کی سیاحت کے ذریعے پاکستان کا مثبت بیانیہ اجاگر ہوگا۔ آج ریڈیو پاکستان میں ایک سینما کا گراؤنڈ بریکنگ ہوئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میوزک کی سطح کے اوپر پاکستان کی پہلی میوزک فلم پالیسی آ رہی ہے۔ سینما کے ذریعے پاکستان کا بیانیہ، اسکرین ٹوریزم کے ذریعے پاکستان کے بیانیے کو دوبارہ سے بحال کرنے کے لیے، اس کو افیکٹو کرنے کے لیے، اس کو فعال کرنے کے لیے فلم پالیسی اس وقت پوری طرح سے ہماری قانون سازی کا حصہ ہے۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں سینما اور تھیٹرز بنائے جائیں گے تاکہ نوجوانوں کو سستی تفریح فراہم ہو اور علاقائی ٹیلنٹ کو دنیا کے سامنے لایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ کلاسیکل میوزیکل ریسرچ سینٹر کے ذریعے دور دراز علاقے کے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ یونیورسٹی کے فارغ التحصیل طلبہ کو پی ٹی وی اکیڈمی میں مختلف کاموں کی تربیت بھی دی جائے گی۔ اس سے پہلے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے ریڈیو پاکستان لاہور میں ریڈیو سینما کا سنگ بنیاد، کلاسیکل میوزک سینٹر اور ریڈیو پوڈ کاسٹ اسٹوڈیو کا افتتاح بھی کیا۔ عاصم نذیر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ چیئرمین تحریک انصاف کی ملک اور ریاست کے خلاف مہم وہی پرانی ہے، صرف چہرے بدل رہے ہیں لیکن ایجنڈا ایک ہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 9 مئی والا ایجنڈا بیرون ملک بیٹھی پراکسیز اور کٹ پتلیوں کے ذریعے چلایا جا رہا ہے۔ قومی اداروں کے خلاف گھٹیا مضموم اور شرنگیز میڈیا مہم شیطانی ذہن کی منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ چند عناصر بیرون ملک بیٹھ کر ملک دشمنی اور غداری کر رہے ہیں،
सियासी शिद्दत पसंदी का वाकया हुआ तो चेयरमैन पीटीआई जिम्मेदार होगा। फॉरेन एजेंट का मर्ज लाइलाज है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि इक्तदार से महरूमी के बाद फितना खान फोमो की जहनी कैफियत का शिकार है, बेबुनियाद प्रोपेगेंडा, इल्जामात, फसाद और साजिशों की मंसूबाबंदी में मसरूफ है। वज़ीर इत्तला'आत ने कहा कि वज़ीर आज़म ने वाज़े किया है कि रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडे की किसी भी कीमत पर इजाज़त नहीं देंगे। किसी भी सियासी इंतहा पसंदी या मिस एडवेंचर का जिम्मेदार 9 मई का मनसूबा साज होगा। उन्होंने कहा कि तोशाखाना का ट्रायल शुरू हो रहा है, करप्शन के सबूत सामने आ रहे हैं, इसलिए इसे एक और साजिश दरकार है। फॉरन फंडेड फितना पागल और जहनी मरीज है जिसे पागल खाने में होना चाहिए। कभी साइफर, कभी रॉकेट लॉन्चर से कातिलाना हमला, कभी हूरों वाले टीके, कभी हजरत ईसा और कभी कुरान पाक के हवाले से बेहुदा बयानात बीमार जहनीत का सबूत हैं। मरियम औरंगजेब ने कहा कि 2017 में ही बता दिया था कि ये जहनी मरीज और पागल है। फिस्ताई जहनीत का शिकार शख्स मुल्क में लाशें, अफरा तफरी और फसाद चाहता है। अपनी करप्शन, झूठ और नाकामियों से तवज्जो हटाने के लिए सर पर बाल्टी, डब्बा और डस्टबिन डालकर ओछे हथकंडे इख्तियार करता है। वफाकी वजीर ने कहा कि अफसरान पर अपने कत्ल के झूठे इल्ज़ाम लगाए, सबूत मांगा तो कहा कि कोई सबूत नहीं, लोगों से सुना है। अपना झूठ, साजिश और प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए चंद यूट्यूबर्स और व्लॉगर्स को प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। ये वही घटिया जहनीत है जिसने लसवेला हेलीकॉप्टर शहदा के खिलाफ गलीज मुहिम चलवाई थी। मरियम औरंगजेब ने कहा कि मुल्क में सियासी इंतहा पसंदी का जिम्मेदार फॉरन एजेंट है, अपनी प्रॉक्सीज के जरिए 9 मई कराया, जहन साजी की, मनसूबाबंदी की, अपने जत्थों से रियासत के खिलाफ दहशतगर्दी कराई। फॉरन एजेंट ने सरकारी और हसास इमारतों पर हमले कराए, शहदा की यादगारों की बेहरमती कराई, फितने ने एम्बुलेंसेज, रेडियो पाकिस्तान, मसाजिद और स्कूल जलवाए। ये नाअहल और झूठा शख्स फॉरन मीडिया को अपने झूठे बयानिए का मवाद देने के लिए ये हरकतें कर रहा है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से पंजाब के 25 अजला के चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के और ताजिर तंजीमों के वफ्द ने मुलाकात की। मुलाकात में वज़ीर ख़जाना इसहाक डार इस्लामाबाद से वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। मुलाकात में सनतकारों और ताजिर बरादरी के सदूर और अहदेदारान ने मसाइल, तजावीज़ और सिफारिशात पेश की। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कहा कि मुश्किल वक्त और आजमाइशें गुजरने वाली हैं, पाकिस्तान बेहतरी की तरफ गामजन है, मुल्क डिफॉल्ट नहीं होगा। उन्होंने कहा कि ताजरों और सनतकारों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करना काबिल तहसीन है। वज़ीर आला पंजाब ने इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट में ताजरों और सनतकारों के मसाइल के हल के लिए खसूसी सेल कायम करने का ऐलान किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि सनत लगाने के लिए मुख्तलिफ महकमों के एनओसीज के पुराने निज़ाम को यकसर बदलेंगे। नई इंडस्ट्रीज को 30 दिन के अंदर वन विंडो ऑपरेशन के जरिए एनओसीज जारी किए जाएंगे। नाज़रीन, भारत ने दरियाए रावी में 1,85,000 क्यूसिक पानी छोड़ दिया है। अगले 24 घंटे में जसड़ के मकाम पर 60 से 65,000 क्यूसिक पानी गुजरेगा। तफसील मौज़मुद्दीन से। भारत ने दरियाए रावी में ऊज बिराज के मुकाम पर 1,85,000 क्यूसिक पानी छोड़ा है। पीडीएमए के मुताबिक भारत ने गुज़िश्ता साल भी 1,73,000 क्यूसिक पानी छोड़ा था। पंजाब हुकूमत और पीडीएमए की जानिब से दरियाए रावी में भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने के खदशे पर पहले ही तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई थी। पीडीएमए ने दरियाए रावी पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने लाहौर में दरियाए रावी का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस वक्त पंजाब में कहीं भी सैलाबी सूरत हाल नहीं है, तहम सूबाई इंतजामिया किसी भी मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए तैयार है। पिछले साल भी इसी तरह तकरीबन इतना ही पानी छोड़ा था और जब वो लाहौर पहुंचा था तो वो 31,000 तक पहुंचा था। इस पॉइंट पे ये 2 महीने अगले इम्पोर्टेंट हैं। आगे बारिशों का भी प्रडिक्शन है कि आगे मानसून एक्चुअल आना है, अभी उसकी बारिशें और उसके पहले भी बारिशें हैं, तो डेफिनेटली जो इंडिया में बारिशें हो रही हैं उसका इम्पैक्ट भी यहाँ पर आना है। मिनिस्टर्स जहाँ जहाँ पे भी दरिया के रस्ते हैं उसके ऊपर खुद मॉनिटर कर रहे हैं। ऑलरेडी हमारे मिनिस्टर कुछ चले गए हुए हैं। ACS जो है कल फिर दोबारा इसकी फॉलो अप मीटिंग कर रहे हैं। पीडीएमए के मुताबिक जसर के मुकाम पर दरियाए रावी की सैलाबी हदूद में कम सैलाब मुतवक्को है। दूसरी जानिब रावी से मुंसलिक इजलाक की इंतजामिया को हिदायत की गई है कि वो हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारी मुकम्मल रखें और अलर्ट रहें। DGP DMA इमरान कुरैशी ने सियालकोट में नाला भेड़ और अर्बन फ्लड रिलीफ कैंप्स का दौरा किया। उन्होंने कहा कि हेड मराला से 11 लाख क्यूसिक पानी गुजरने की गुंजाइश है जबकि इस वक्त 1,19,000 क्यूसिक पानी गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन टीमें मशीनरी के साथ मुकम्मल तैयार है जबकि खैमाजात, अद्वियात और दीगर जरूरी इमदादी सामान मुहैया कर दिया गया है। मौज़मुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। जनाज़े खबरनामे में शामिल मजीद खबरें भी आपसे शेयर करेंगे लेकिन इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद में नमाज इशा का वक्त हुआ है। अजान इशा सुनने की सआदत हासिल करते हैं।
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے اگلے 48 گھنٹے میں ملک کے متعدد علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ تین بڑے دریاؤں اور ان سے منسلک نالوں میں طغیانی کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ لاہور، سیالکوٹ اور ناروال میں گرج چمک کے ساتھ شدید بارش، اور دریائے چناب، راوی اور ستلج سے منسلک ندی نالوں میں طغیانی کا بھی امکان ہے۔ این ڈی ایم اے نے ان علاقوں میں اربن فلڈنگ اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ بھی ظاہر کیا ہے۔ این ڈی ایم اے نے 10 جولائی تک سندھ میں کراچی، تھرپارکر، سکھر، لاڑکانہ، حیدرآباد، بدین، شہید بے نظیر آباد اور بلوچستان کے کچھ حصوں میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ بارشوں اور سیلاب کے پیش نظر این ڈی ایم اے نے ملک بھر کی ضلعی اور شہری انتظامیہ کو ہدایت کی ہے کہ شہروں میں اربن فلڈنگ کے خطرے سے دو چار علاقوں کے لیے ہنگامی ٹریفک پلان یقینی بنایا جائے۔ اسی طرح ریسکیو اداروں کو بھی متحرک رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اور ناظرین، ملک میں زراعت کا فروغ حکومت کی خصوصی توجہ کا مرکز۔ گرین پاکستان انیشیٹو پروگرام کے تحت کل جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں ایک بڑے سیمینار کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی مجموعی ملکی پیداوار کا 23% حصہ زراعت پر منحصر ہے۔ اس سلسلے میں حکومت پاکستان اور پاک فوج کی مشترکہ کاوشوں سے پاکستان کی معاشی بحالی کے لیے ایس آئی ایف سی کا قیام بھی عمل میں لایا گیا ہے۔ تفصیل جاننے کے لیے دیکھیے یہ خصوصی رپورٹ۔ پاکستان کے کھیت و کھلیان آزادی کے وقت سے ہی اپنے لوگوں کا ذریعہ معاش رہے ہیں، تاہم آب و ہوا کی تبدیلی اور بڑھتی ہوئی آبادی کے اہم چیلنجز اب خوراک کی سلامتی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ سیڈز آف پراسپیرٹی ایک دلکش دستاویزی فلم ہے جو آپ کو پاکستان کے زراعت کے ماضی کے سفر پر لے جاتی ہے، اسے درپیش چیلنجوں سے پردہ اٹھاتی ہے اور اس شعبے میں موجود لامحدود امکانات کا احاطہ کرتی ہے۔ گرین پاکستان انیشیٹو کا منصوبہ مشینی و جدید کاشتکاری اور موسمیاتی سمارٹ فارمنگ کے طریقوں پر مبنی ہے۔ یہ پاکستان میں سبز انقلاب کی پائیدار بنیاد رکھے گا اور یہ سٹیک ہولڈرز کو اکٹھا کرنے، شراکت کرنے، پائیدار اور منافع بخش مستقبل کی راہ ہموار کرنے کا ایک منفرد موقع ہے۔ کسان، کمیونٹیز اور پالیسی ساتھ مل کر اس منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے۔ آئیے سب مل کر خوشحالی کے بیج بوئیں اور سب کے لیے ایک روشن کل کی آبیاری کریں۔ ناظرین، 9 مئی کے واقعات کے تناظر میں عوام نے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ سانے میں ملوث سب سہولت کاروں کو پکڑا جائے۔ جب پاک فوج نے اپنے ہی ادارے میں احتساب کیا ہے تو دوسری جانب بھی بڑے ماسٹر مائنڈ کا احتساب ہونا چاہیے۔ عوام کا اظہار خیال دیکھتے ہیں۔
जो जो इस शरपसंदी में इन्वॉल्व थे उन सबको कटहरे में ला के उनका एहतसाब करना चाहिए। जब फौज ने अपने ही इदारे में एहतसाब किया है तो इधर भी बड़े बड़े जो मास्टरमाइंड थे उनका एहतसाब होना चाहिए, उसके खिलाफ पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ताकि मंजर आम पर आए वो शख्स। सजा मिलेगी तो आगे काम चलेगा ना, अगर इनको सजा नहीं मिलेगी तो कोई और आ जाएगा। फैसिलिटेट करने वाले जो भी लोग हैं उन्हें कानून के कटहरे में लाना चाहिए और सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। जिसने किया है, जिसने प्लान बनाया है उसको पकड़े। जिन्होंने इन मंसूबों को बनाए वो बड़े तबकात हों या छोटे तबकात हों, उन सबको बराबरी की बुनियाद पे सजा मिलना चाहिए। जो एक्चुअल कल्प्रिट्स हैं उनके अगेंस्ट बिल्कुल होना चाहिए और सख्त से सख्त होना चाहिए। जो सहूलतकार हैं इनको कड़े से कड़ी सजा दी जाए। इनमें जो बड़े लोग मुलविस थे इनको अदालत में पेश करना चाहिए, जो बनाए उनको भी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले एहतसाब अपने इदारे का किया है। अब जरूरत इस अमर की है कि इस एहतसाब के अमल को रूट लेवल तक ले जाया जाए, उनको खड़ी से खड़ी जो है ना सजा देनी चाहिए। इसमें जो भी मास्टरमाइंड है उनके पास कार्रवाई होनी चाहिए उनके लिए। बहुत बड़ी बगावत का सोच आता है इन लोगों ने, इनको पकड़ करके उन अफराद को सख्त से सख्त सजा दी। मुख्तलिफ तबका फिक्र और सियासी शख्सियात ने जिना हाउस का दौरा किया। वफ़ के अरकान ने दुख का इजहार करते हुए कहा कि शरपसंदों ने कायद के घर को बेदर्दी से जलाया है। हम अपनी बहादुर अफवाज के साथ शाना बशाना खड़े हैं और खड़े रहेंगे। 9 मई को सान्या हुआ और जिन लोगों ने किया और ये हस्ता बस्ता हमारे कायद का घर, ये कोर कमांडर हाउस है, यहाँ उन्होंने जिस बेदर्दी से, जिस जालमाना अंदाज में और जिस शफाकत का मुजाहरा किया, हम तमाम लोग पाकिस्तानी अदलिया से और तमाम मुतालका इदारों से ये अपील करते हैं कि उन मुजरमान को कैफरे किरदार पे पहुँचाया जाए। जो पाकिस्तान की शाख पर, इसकी शान पर, इसके वक़ार पर हमला किया है, हम ये अहद करते हैं कि इसके लिए हम पाक फौज के साथ खड़े हैं। सान्या 9 मई जो है ये स्याह बाग की तरह तारीख में लिखा जाएगा और हम नहायत ही शर्मिंदा हैं। ये जो लोग मुलव्वस हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं, हम दरख्वास्त करते हैं तमाम अदारों से कड़ी सजा दी जाए। उधर सानेह 9 मई में मुलविस आशिक नामी एक अहम शरपसंद कानून की गिरफ्त में आ गया है। शरपसंद के भाइयों ने वाकयात की सख्त मजम्मत करते हुए कहा है कि मेरे भाई का सियासत से कोई लेना देना नहीं था। चेयरमैन पीटीआई की नफरत अंगेज और फौज के खिलाफ बयानिए ने इसकी जहन साजी की है। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ खान है, मैं आशिक का सबसे बड़ा भाई हूँ। 9 मई के वाकये पे मैं 4 बजे दुकान पे गया हूँ। रात को 1 से 1.5 बजे 1:30 के दरमियान मेरा भाई दुकान पे आया। सियासत में बेकावे में आके एक खिलाड़ी था, हम उसको सपोर्ट करते थे। अभी सियासत में ना उनको पता है ना चाहिए, बस लोगों को मरवा रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल खान है, जो आशिक भाई जो गिरफ्तार है वो मेरे बड़े भाई हैं। 9 मई के वाकये में जब आशिक भाई को फ़ोन आया था कि हम जा रहे हैं, आप उधर आ जाए, आज़म खान नियाजी का फ़ोन आया था, उसके साथ और डॉक्टर यास्मीन राशिद थी और एजाज चौधरी था, इन्होंने फ़ोन किया था कि हम उधर जा रहे हैं, आप आ जाओ। यही फेसबुक में नफरत की सियासत देख के तो इसीलिए भाई गया होगा, हम तो जाते भी नहीं है। नौजवान नस्ल को ये पैगाम देंगे कि जो पाकिस्तान है वो हमारा है, पाक फौज जो है हमारी है, किसी और की तो नहीं है, हमारी हिफाजत के लिए हो। वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले शहदा को पूरी कौम का सलाम। कैप्टन मोहम्मद अम्मार हुसैन शहीद, नहायत निडर और वतन पर मर मिटने का अज़्म रखने वाले जाँबाज फौजी मुजाहिद थे। इन्होंने दिफाए वतन की खातिर शहादत को। अब जब ये 9 मई का वाकया हुआ है तो जब हम देखते हैं तो मैं बहुत अफसोस होता है कि शहीद इतना जुल्म किया गया, मैं तो जुल्म कहूँगी इसको, ये तबाही जो की, इतना जुल्म किया है इन्होंने शहीदों की यादगारों को और उन चीज़ों को इन्होंने तोड़ा फोड़ा, और ख़ासतौर पर जिना उस कायद आज़म की यादगार थी उसको तोड़ा फोड़ा, बड़ा जुल्म किया इन्होंने और इनको सज़ा मिलनी चाहिए। मैं कैप्टन अमार शहीद की वालिदा हूँ, मेरा बेटा 99 में करगिल वार में शहीद हुआ, मेरा बेटा और कर्नल शेर खान दोनों इकट्ठे कोर्समेट थे, दोस्त थे और आखिर दम तक इकट्ठे लड़े और इकट्ठे शहीद हुए। 9 मई के हवाले से मैं कहना ये चाहता हूँ कि आप लोग अगर यंग जनरेशन को अच्छी बातें सिखाएंगे, शहीद होना, आर्मी का एहतराम करना, डिसिप्लिन करना, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा।
वजह इसकी कि आप उसको दुश्मन जो कुत्ते हैं उनका अलग हाथ बना लें। तो कोई भी ये आपको कह रहा है कि आप इनको तोड़ें या जलाएं चीजों को या निशाने अदर की जो चीज़ें उनको, वो बिल्कुल ही गलत कह रहे हैं, ऐसा जो है ना आप ना करें। मैं कैप्टन मोहम्मद अमार हुसैन शहीद का सबसे छोटा भाई हूँ। हमारे अल्लाह ताला ने हमारे साथ शोधा के मामले में बहुत नरमी रखी। हमारे जो बड़े भाई हैं शहीद हुए हैं, उनकी जो यादगारें हैं वो मुख्तलिफ जगहों पे बनी हैं। कैप्टन अमार शहीद के नाम से एक रोड भी रावलपिंडी में मौजूद है। हमें वाकई इस बात पे बहुत फख्र होता है कि आर्मी ने शोधा का जिस तरह एहतराम रखा है, इसकी मिसाल कहीं नहीं मिली। मादर मिल्लत मोहतरमा फातमा जना की 56वीं बरसी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मादर मिल्लत की यौम वफात पर खराज अकीदत पेश करते हुए कहा है कि फातमा जना कौम के लिए माँ का दर्जा रखती हैं, कौम पर इनके बहुत एहसानात हैं। मोहतरमा फातमा जना एक अजीम भाई की अजीम बहन थी। देखते हैं कराची से नौरीन आसिफ की ये रिपोर्ट। मादरे मिल्लत मोहतरमा फातमा जना कायद अज़म मोहम्मद अली जना की हमशीरा, उनकी बेहतरीन साथी और एक अजीम रहनुमा थी। वो 31 जुलाई 1893 में पैदा हुई। कम उम्र में वालिद का साया सर से उठ जाने के बाद वो मुंबई में अपने भाई कायद अज़म के पास चली गयी। कायद अज़म उन दिनों मुंबई में वकालत कर रहे थे। कायद अज़म ने फातमा जना को 1902 में बांद्रा के सेंट पैट्रिक स्कूल में दाखिल करवाया। 1919 में फातमा जना ने कोलकाता के डेंटल कॉलेज में दाखिला लिया और डेंटिस्ट्री की डिग्री हासिल की। फातमा जना हमेशा अपने भाई के शाना बशाना रहीं और कयाम पाकिस्तान की जद्दोजहद में कायद अज़म का भरपूर साथ दिया। 1930 में लंदन में होने वाली कॉन्फ्रेंसेस में भी मोहतरमा फातमा जना कायद अज़म के हमराह थी। घर हो या कौमी सियासत का मैदान, मोहतरमा फातमा जना हर कदम पर कायद अज़म के साथ रहीं। आपकी सियासी बसीरत और दानिशमंदी की बुनियाद पर 1939 में आपको ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कौंसिल का रुकन मुंतखब किया गया। तहरीक पाकिस्तान के दौरान मोहतरमा फातमा जना ने मुस्लिम खवातीन की तंजीम नौकर के उसे फाल बनाया, जबकि खवातीन और तालिबात को रफाई कामों के लिए भी मुतहरक किया। 7 अगस्त 1947 को मोहतरमा फातमा जना कायद अज़म मोहम्मद अली जना के हमराह कराची आई। कयाम पाकिस्तान के बाद कौमी तामीर के हर मरहले में मोहतरमा फातमा जना सफ़े अव्वल में रहीं। मोहतरमा की नाकाबिल फरामोश खिदमात के इवज उन्हें पाकिस्तान की पहली खातून अव्वल का भी खिताब मिला। कायद अज़म मोहम्मद अली जना के इंतकाल के बाद मोहतरमा फातमा जना ने सब्र का मुजाहरा किया और 27 सितंबर 1948 को रेडियो पाकिस्तान पर कौम से खिताब में वादा किया कि जिस तरह कायद की जिंदगी में उन्होंने मुल्क को कौम की खिदमत की, कायद के इंतकाल के बाद भी मुल्क की तरक्की के लिए अपनी खिदमत जारी रखेंगी। मोहतरमा फातमा जना ने 1965 के सदारती इंतखाब में भी हिस्सा लिया। 9 जुलाई 1967 में मादर मिलत और खातून पाकिस्तान मोहतरमा फातमा जना 73 साल की उम्र में इंतकाल कर गयी। उनको कायद अजम मोहम्मद अली जना के मजार के अहाते में सपुर्द खाक किया गया। नौरीन आसिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। मजहबी सियाहत के फरोग के हवाले से 3 रोजा गंधारा सिंपोजियम का इनेकाद इस्लामाबाद में किया जा रहा है। तफसील बता रहे हैं समीउल्ला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के विजन के तहत सकाफ्ती सफारतकारी, गंधारा तहजीब और बुतमत विरसे को पाकिस्तान में जिंदा करने के मौजू पर 11 और 12 जुलाई को इस्लामाबाद में सेमिनार मुनक्किद किया जा रहा है, जिसका मकसद सकाफ्ती सफारतकारी और मजहबी सियाहत को फरोग देना है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी, वजीर मुमलिकत डॉक्टर रमेश कुमार और सेनेटर तला महमूद सेमिनार में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सेमिनार के पहले रोज मेहमान खसूसी होंगे। जनूबी कोरिया, मलाइशिया, चीन, थाईलैंड और वियतनाम से अहम शख्सियात सिंपोजियम में शिरकत करेंगी। वज़ीर आज़म टास्क फोर्स ब्राय गंधारा तहजीब, वजारत मजहबी अमूर, वजारत दाखला, PTDC, कौमी विरसा और महकमा आसारे कदीमा खैबर पख्तूनख्वा इस सिंपोजियम में मिलकर काम कर रहे हैं। सिंपोजियम की निगरानी वज़ीर आज़म टास्क फोर्स गंधारा तहजीब के चेयरमैन डॉक्टर रमेश कुमार कर रहे हैं। श्रीलंका और नेपाल से बुद्धा तहजीब के मजहबी पेशवा भी इस सिंपोजियम में शरीक होंगे।
सेमिनार के दूसरे रोज वफाकी वजीर मजहबी अमूर और बैनुल मजाहिब हम आहंगी सेनेटर तला महमूद मेहमान खसूसी होंगे। बैनुल अक्वामी शख्सियात को सिंपोजियम के आखिरी रोज पिशावर म्यूजियम, तख्तबाई और मर्दान के तारीखी मकामात का दौरा भी कराया जाएगा। आखिरी रोज गैर मुल्की मेहमान इशाइये पर सदर मुमलिकत से मुलाकात भी करेंगे। सकाफती सफारतकारी में ये सिंपोजियम एक संग मील साबित होगा। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। इत्तला और नशरियात की वफाकी वजीर मरियम औरंगजेब ने पीटीवी लाहौर सेंटर में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पाकिस्तान टेलीविजन सिर्फ एक टीवी चैनल ही नहीं है बल्कि मुल्क का तारीखी वरसा है। कौमी नशरियाती इदारे को जदीद खतूत पर उस्तवार करके इस इदारे को तरक्की की राह पर गामजन कर दिया गया है। टीवी जो है वो महज एक टीवी चैनल नहीं है बल्कि पाकिस्तान का हिस्सा है, हेरिटेज है, पाकिस्तान की तारीख इसके साथ जुड़ी है। 5.5 बिलियन से अबाव हमने रेवेन्यू जनरेट किए हैं जिसकी वजह से ये तमाम जो एम्प्लॉई रिलेटेड या स्क्रीन रिलेटेड या डिजिटल, अब आप देखें पाकिस्तान का सबसे बड़ा वर्चुअल स्टूडियो पाकिस्तान टेलीविजन के पास है। अदारा बेहतर हो रहे हैं, रेवेन्यू बेहतर हो रहे हैं, प्रॉफिट्स बेहतर हो रहे हैं। वफाकी वजीर मियाँ जावेद लतीफ़ ने शेखुपुरा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि आइंदा आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून कामयाबी हासिल करेगी। मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपने दौरे हुकूमत में इंडस्ट्री के फरोग, रोजगार की फराहमी, दहशतगर्दी का खात्मा, मुल्की दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया। उनका कहना था कि जिस तरह 9 मई के वाकयात के मुलजिमान को अदालतों से रिलीफ मिला इस पर शदीद तशवीश है। उसको जो वो रोड मैप बना रहा है उसका 9-10 मई को आपने एक झलक देख ली। अगर उस नासूर को, उस सोच को, उस अप्रोच को, उस सहूलतकारी को ना रोका गया तो खुदा ना खास्ता पाकिस्तान के अंदर फिर कोई हादसा पेश आ सकता है। वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर बिलाल अज़हर कयानी कहते हैं कि गुज़श्ता हुकूमत ने IMF के साथ मुआहिदा किया, मुआहिदा खुद ही तोड़ा और पाकिस्तान को माशी तबाही के धाने पर पहुंचा दिया। मौजूदा हुकूमत ने मुश्किल फैसले किए और पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। तफसील राना इफ्तिखार अहमद से। लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर ब्राय मीशत और तवानाई बिलाल अज़हर कियानी ने कहा कि मुल्क पर 4 साल तक मुसल्लत रहने वाले शख्स ने मीशत को तबाह कर दिया और तहरीक अदम इत्माद के जरिए हटाए जाने पर झूठा साइफर लहरा कर मुल्क में इंतशार फैलाया गया। उन्होंने कहा कि एक शख्स को बचाने के लिए रियासत को दाव पर लगाया गया। जिस शख्स ने इम्पोर्टेड हुकूमत का तमाशा किया, साइफर जैसा झूठ लहराया, साइफर जैसे झूठ की बुनियाद पर नेशनल असम्बली डिसॉल्व करने जैसा संगीन जुर्म किया, आइन शिकनी की, उस शख्स ने, वो शख्स आज अमेरिका की मिन्नतें कर रहा है। तो अमेरिका की मिन्नतें तुम करो, इंपोर्टेड हुकूमत हमें कहो। IMF की प्रोग्राम को के ख़िलाफ़ साजिश तुम करो, इंपोर्टेड हुकूमत हमें कहो। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स का जो एक अहम ज़रिया है GSP+, उसके ख़िलाफ़ मुहिम तुम चलाओ और इंपोर्टेड हुकूमत हमें कहो। तो इस तरह की जो हिपोक्रेसी है, इस तरह का जो दोगलापन है, इस तरह का जो तबाह करने का एक रवैया और एक बाकायदा मुनज़्ज़म कैंपेन रही है, वो इस शख्स का एक वतीरा रहा है। और ये शख्स जो बात दूसरों को कहता है ये इसने खुद की होती। बिलाल अज़हर कियानी ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने ना सिर्फ IMF प्रोग्राम को बहाल कराया बल्कि 9 माह के लिए $3 अरब का स्टैंड बाय मुआहदा करने में भी कामयाब हुई। दीगर जमातों के साथ IMF मिल रही है तो सब यही चाहते हैं कि जो साजिशें इनने कौम के खिलाफ की हैं ये आइंदा ना करें, ये इससे गुरेज करें, कौम से माफ़ी मांगें। और ये जो सियासी और मुआशी इस्तेहकाम का सफ़र है ये जारी रह सके। जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने स्टैंड बाय मुआहिदा IMF के साथ 9 माह का $3 अरब का किया है, इसके अंदर मजीद खलल ना डले। गुज़िश्ता माह भी महंगाई की शरह में कमी आई है, महंगाई की शरह अभी भी ऊंची है और हम इंशाल्लाह उम्मीद भी कर रहे हैं और हुकूमत ने जो इकदाम उठाए उसके नतीजे में हम आगे इंशाल्लाह एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले चंद माह में आपको महंगाई में आहिस्ता आहिस्ता कमी नजर आएगी। बिलाल अज़हर कियानी ने कहा कि GSP प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है, इसको जारी रखने के लिए हुकूमत भरपूर इकदाम कर रही है। रान इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। मकबूजा जम्मू कश्मीर में हिंदुओं की सालाना अमरनाथ यात्रा शुरू होने के बाद से भारतीय फौजियों की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में तेजी आई है।
कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक श्रीनगर, बडगाम, गांधरबल, कुपवाड़ा, बारामूला, इस्लामाबाद, पुलवामा, शोपियां, किश्तवाड़, डोडा, राजौरी, पूंछ और दीगर अजला में मुख्तलिफ इलाकों के मकीनों ने सहाफियों को बताया कि जब से 1 जुलाई को अमरनाथ यात्रा शुरू हुई है, भारतीय फौज के मजालिम में कई गुना इजाफा हो गया है। उनका कहना था कि फौजी किसी भी वक्त जबरदस्ती घरों में घुस जाते हैं, तलाशी लेते हैं, मकीनों को हरासा करते हैं और घरेलू सामान की तोड़फोड़ करते हैं और उनसे पूछने वाला कोई भी नहीं है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जमान ने श्रीनगर में एक बयान में कहा है कि भारतीय मजालिम कश्मीरियों के जज्बे आज़ादी को कमज़ोर नहीं कर सकते और वो अपनी जद्दोजहद आज़ादी को मुकम्मल कामयाबी तक जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर पर भारत का फौजी कब्जा आलमी बिरादरी के लिए एक चैलेंज है और उसे तनाज़े कश्मीर को अक़वामे मुत्तहिदा की मुतलका करारदादों और कश्मीरियों की मांगों के मुताबिक हल करने के हवाले से अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करनी चाहिए। दूसरी जानिब मूसलाधार बारिश की वजह से रामबन और जम्मू खित्ते के दीगर इलाकों में मिट्टी के तोड़े गिरने से श्रीनगर जम्मू शाहराह बंद हो गई। वादी कश्मीर को बैरूनी दुनिया से मिलाने वाली इस वाहिद शाहराह पर 3,000 से ज़ायद गाड़ियां फंसी हुई हैं। जिला डोडा के इलाके गंदों में एक मुसाफिर बस मिट्टी के तोड़े की जद में आने से 2 अफराद हलाक हो गए। जिला पुंछ के इलाके सरनकोट में 2 भारतीय फौजी दरिया उबूर करते हुए डूब कर हलाक हुए। मारूफ कश्मीरी नौजवान रहनुमा बुरहान मुजफ्फर वानी की बरसी की मुनासबत से इस्लामाबाद में सेमिनार मुनक्किद हुआ। मुकर्ररीन ने शहीद रहनुमा को शानदार खिराज अकीदत पेश करते हुए उन्हें गैर कानूनी भारतीय कब्जे के खिलाफ कश्मीरियों को मज़ाहमत की अलामत करार दिया। सेमिनार से खिताब में राजा जफरुल हक, सेनेटर डॉक्टर वलीद इकबाल, पाकिस्तान पीपल्स आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर चौधरी मोहम्मद यासीन और दीगर मुकर्ररीन ने कहा कि बुरहान वानी ने अपनी बेमिसाल और अनथक मेहनत से तहरीक आज़ादी कश्मीर में एक नई रूह फूंकी। उन्होंने कहा कि इस अजीम नौजवान रहनुमा को मज़ाहमती तहरीक की एक अलामत के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। मुकर्ररीन ने कहा कि भारत के तमाम तर मजालिम के बावजूद कश्मीरियों के हौसले बुलंद हैं और वो बुरहान वानी और दीगर लाखों शहदा के मिशन की तकमील तक अपनी जिदोजहद जारी रखने के लिए पुरअज़्म हैं। IMF स्टाफ लेवल माहदे के बाद रुपए की कदर में इस्तेहकाम का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता माह दीगर करेंसीज के मुकाबले में रुपए की कदर में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है। एक्सपेक्टेटर इंडेक्स के मुताबिक डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में 3.1% इजाफा हुआ है। दूसरे नंबर पर नॉर्वे की करेंसी क्रोने की कदर डॉलर के मुकाबले में 2.6% ऊपर गई है। डॉलर के मुकाबले में बरतानवी पाउंड 2.2%, पोलिश जोल्टी 2.1%, यूरो 1.7% और मेक्सिको 1.4% ऊपर गया है। इस दौरान चीनी युआन 1.5% कमी हुई है, जापानी येन 2%, रूसी रूबल 10% और तुर्किश लीरा की कदर में 12% कमी हुई है। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक से स्विस वजीर खारजा इग्नासिव कासिस ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में आफात से निमटने की तैयारी के मुख्तलिफ पहलुओं और दोनों ममालिक के दरमियान डिजास्टर मैनेजमेंट के शोबे में तआवुन पर जोर दिया गया। इस मौके पर चेयरमैन NDMA ने स्विस वफद को आफात के मुमकिन असरात को कम करने के लिए नेशनल कॉमन ऑपरेटिंग पिक्चर तैयार करने के हवाले से NEOC और NIDM के क्याम के हवाले से भी बताया। स्विस वजीर खारजा ने पाकिस्तान में डिजास्टर मैनेजमेंट में होने वाली तरक्की और कामयाबियों को सराहते हुए मुस्तकबिल में तआवुन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने वफाकी मुहतसिब के फैसलों के खिलाफ स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की दायर करदा 2 अलहदा अपीलें मुस्तरद करते हुए इदारे को हिदायत की है कि मुमकिन पॉलिसी होल्डर्स को लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियों के इजरा से कबल मेडिकल टेस्टों के बारे में अपनी पॉलिसी को बेहतर बनाए। सदर मुमलिकत ने स्टेट लाइफ को 2 पॉलिसी होल्डर्स के खानदान के अफराद को 36 लाख से जायद रकम अदा करने की हिदायत कर दी। सदर मुमलिकत ने कहा कि स्टेट लाइफ अदायगियों से इनकार नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास मिजाज मेडिकल ऑफिसर्स के जरिए मुबैना बीमारियों का पता लगाने के तमाम जराए मौजूद थे। नाज़रीन शाहराहों की तामीर और बहाली में पाक फौज का अहम किरदार। मस्तूंग शंदोर नाले पर पुल तामीर करके ट्रैफिक बहाल कर दी गई। ग्लेशियर पिघलने से सैलाब के बायस शहदास और हरचंद सड़क मस्तूज शंदूर में टूट फूट का शिकार थी। पाक फौज ने शंदूर फेस्टिवल के लिए आने वाले सयाहों और मकामी लोगों को दरपेश मुश्किलात के हल के लिए पुल की तामीर को यकीनी बनाया। लकड़ी के पुल को 5 जुलाई से जबकि स्टील पुल को 8 जुलाई से ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर फाल कर दिया गया। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक की सदारत में काबीना का इजलास इस्लामाबाद में हुआ।
اجلاس میں سرکاری ملازمین کی تنظیموں کے رجسٹریشن کے حوالے سے موجودہ قانون میں ترامیم کی منظوری دی گئی۔ اجلاس میں پرائیویٹ اور سرکاری آٹے کی قیمت میں توازن لانے کے لیے سفارشات مرتب کرنے، سرکاری آٹے کی ترسیل کے نظام میں بہتری کے اقدامات کے لیے لائحہ عمل بنانے کے لیے کمیٹی تشکیل دی گئی جو ایک ماہ میں اپنی سفارشات پیش کرے گی۔ وزیراعظم نے شرکاء اجلاس کو بتایا کہ حکومت نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں وفاقی حکومت کی طرز پر اضافے کیے جانے کا اصولی فیصلہ کیا ہے۔ اور کوئٹہ کے شہریوں کے لیے خوشخبری، کوئٹہ والوں کے لیے گرین لائن بس سروس کا آغاز 17 جولائی سے ہوگا۔ وزیراعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ تجرباتی طور پر گرین لائن بس سروس کا آغاز 13 جولائی سے ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ گرین بس سروس کے آغاز سے متوسط طبقے کو سفر کی بہتر سہولت میسر ہوگی، بزرگ خواتین، بچے اور طلبہ اس سہولت سے استفادہ کر سکیں گے۔ وزیراعلیٰ کا کہنا تھا کہ گرین بس منصوبہ طویل عرصے سے تعطل کا شکار تھا، رب کائنات کے فضل سے منصوبہ فعال ہونے جا رہا ہے۔ قومی وطن پارٹی کے چیئرمین آفتاب احمد خان شیرپاؤ نے چارسدہ میں عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے اپنے دور حکومت میں پاکستان کی معیشت تباہ کر دی۔ آئی ایم ایف معاہدے سے روگردانی کر کے پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچایا۔ انہوں نے کہا کہ وزیراعظم محمد شہباز شریف کی انتھک کوششوں سے آئی ایم ایف سے نیا معاہدہ پایہ تکمیل تک پہنچا ہے۔ آفتاب شیرپاؤ نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے فوج اور ریاستی اداروں کے خلاف نوجوان نسل کو گمراہ کیا۔ نمائندے خصوصی حافظ طاہر محمود اشرفی نے کہا ہے کہ اسلام امن اور رواداری کا درس دیتا ہے، خلافت راشدہ کی پیروی سے ہی مدینہ طرز کی ریاست بنا سکتے ہیں۔ لاہور پریس کلب میں سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سویڈن میں سرکاری سرپرستی میں قرآن مجید کی بے حرمتی کرنے والے عالمی امن کے دشمن ہیں، اور پوری دنیا کے مسلمان مطالبہ کرتے ہیں کہ عالمی سطح پر ان واقعات کی روک تھام کے لیے مؤثر قانون سازی ہونی چاہیے۔ وزیراعظم کے معاون خصوصی رانا مبشر اقبال نے لاہور میں قومی اسمبلی کے حلقوں NA 132 اور NA 134 میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ انہوں نے عوام کے مسائل سنے اور ان کے حل کے لیے موقع پر ہدایات جاری کی۔ اس موقع پر رانا مبشر اقبال نے کہا کہ مسلم لیگ نون کا ہر دور معاشی ترقی اور فلاحی منصوبوں سے عمارت ہے، اور عوام آج بھی نون لیگ کے دور کے منصوبے سے مستفید ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ ملکی قیادت ملک کو درپیش چیلنجز سے نبرد آزما ہے، اور عوامی طاقت سے بہت جلد معاشی مسائل پر قابو پا لے گی۔ ناظرین، ممتاز صحافی، استاد اور دانشور پروفیسر وارث میر کا یوم وفات ہے۔ وارث میر نے اپنے صحافتی کریئر کے دوران ملک کے تمام بڑے اردو اخبارات کے لیے مضامین تحریر کیے، جنہیں ان کی وفات کے بعد کتابوں کی صورت میں شائع کیا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے پروفیسر وارث میر کی برسی پر خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ جبر کے سامنے کلمہ حق کہنے والے محب وطن شخص تھے۔ اپنے پیغام میں وزیراعظم نے کہا کہ پروفیسر وارث میر سچ لکھنے والے قلم اور حق گوئی کے وارث تھے، ان کی حق گوئی کی روایت ان کے بہادر بیٹے آگے بڑھا رہے ہیں۔ جہلم جی ٹی روڈ پر اٹھیاں کے مقام پر سلنڈر پھٹنے سے 2 منزلہ عمارت زمین بوس ہو گئی۔ ریسکیو حکام کے مطابق حادثے میں 5 افراد جاں بحق جبکہ 15 زخمی ہوئے ہیں۔ 3 شدید زخمیوں کو راول پنڈی منتقل کر دیا گیا ہے۔ ریسکیو کاروائیوں کے دوران 2 افراد کو ملبے کے نیچے سے زندہ نکال لیا گیا ہے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے واقعے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ وزیراعظم نے واقعے میں جاں بحق ہونے والے افراد کی مغفرت اور ان کے اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا کی ہے۔ وزیراعظم نے حکام کو ہدایت کی ہے کہ واقعے میں زخمی ہونے والے افراد کے علاج معالجے میں کوئی کسر نہ چھوڑی جائے۔ خبرنامے میں ویدر اپڈیٹ کے ساتھ میں ہوں عبدالقدیر۔ ناظرین، گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران سندھ، پنجاب، بالائی، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ اس دوران چند مقامات پر موسادار بارش بھی ہوئی۔ سب سے زیادہ بارش نگر پارکر 82 ملی میٹر، اسلام کوٹ 59، ناروال 31، بدین 25، بھاول نگر 14، میرپور خاص میں 10 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ تاہم کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا، جنوبی پنجاب، بالائی سندھ اور شمال مشرقی بلوچستان میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی۔ تو سب سے پہلے نوکنڈی کی بات کریں گے، جہاں پہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 42 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔
खैरपुर में भी 42, मुल्तान 37, दादू 42, जबकि दालबंदीन में भी 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब आखिर में चंद बड़े शहरों के दर्जा हरारत। सबसे पहले इस्लामाबाद की बात करेंगे। इस्लामाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 30, कराची, पेशावर और कोयटा में 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी मौसम की अब तक की सूरत हाल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खेल की खबरें लिए मैं हूं आपके साथ समी इकबाल। खेल में सबसे पहले आपको बताएं कि दुनिया के बुलंदतरीन पोलो ग्राउंड शंदूर में 3 रोज़ा पोलो फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हो गया। फाइनल में चित्राल ए ने गिलगित बल्तिस्तान ए के खिलाफ 5-7 से कामयाबी हासिल की। तफसील बताएंगे अमजद अली खान इस रिपोर्ट में। दुनिया के बुलंदतरीन पोलो ग्राउंड शंदूर में 3 रोज़ा पोलो फेस्टिवल अहतमाम पजीर हो गया है। फेस्टिवल के तीसरे रोज चित्राल ए की टीम ने गिलगित ए की टीम को 5-7 से शिकस्त दी और मुसलसल 11 मरतबा फतह रहने का एजाज अपने नाम किया। कटन और मुसलसल थका देने वाला रास्ता भी सयाहों को शंदूर आने में माना नहीं रहा। मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की एक बड़ी तादाद ने शंदूर मेला देखा और फ्री स्टाइल पोलो फेस्टिवल के मुकाबलों से महसूर हुए। दुनिया के बुलंदतरीन पोलो ग्राउंड, इसमें खिलाड़ी के लिए भी मुश्किल होते हैं, घोड़ों के लिए भी मुश्किल होते हैं। खूबसूरत जगह है हमारा चित्राल और यहाँ ना के इस जगह का इंजॉय करें। टूरिस्ट को मैं दावत देता हूँ कि गिलगित और चित्राल एक पुरमन इलाका है, यहाँ पे आए और इसे इन वादियों में आके एंजॉय करें। कोर कमांडर पिशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात पोलो फेस्टिवल के अहतितामी तकरीब के मेहमान खसूसी थे। अहतितामी तकरीब में पैराग्लाइडिंग और सकाफती रक्स के दिलकश मुजाहरे पेश किए गए। मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने खसूसी मिलनामे पेश किए और कलाशी डांस समेत मुख्तलिफ बैंड्स ने फन का मुजाहरा किया, जिनसे शायकीन खूब लुत्फ अंदोज हुए। शिंदूर मेला देखने के लिए, शिंदूर मेला, शिंदूर घर से बहुत दूर, लेकिन शिंदूर खेलों का खेल, बादशाहों का खेल। मैच I learned about it on Instagram. I saw Instagram video maybe 5 months ago and it looks so amazing. Just the setting, the energy here is so strong. The crowd is wild. I had to see it for myself. खैबर पख्तूनख्वा कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी, पाक फौज के जवान, चित्राल इंतजामिया और टूरिज्म पुलिस ने सयाहों को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के सिलसिले में टेंट विलेज कायम किया था। अमजद अली खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, अपर चित्राल, शंदूर। टेस्ट सीरीज खेलने के लिए कौमी क्रिकेट टीम कोलंबो पहुंच गई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम कराची से बरास्ता दुबई श्रीलंका पहुंची। क्रिकेटर्स एक रोज आराम के बाद प्रैक्टिस का आगाज करेंगे। पाकिस्तानी टीम 11 और 12 जुलाई को हम्बनटोटा में वार्म अप मैच खेलेगी। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला मैच 16 जुलाई से गोल में शुरू होगा। दूसरा टेस्ट मैच 24 जुलाई से कोलंबो में खेला जाएगा। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज पाकिस्तान क्रिकेट टीम की 3री वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पहली सीरीज है। इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को एशेज सीरीज के 3रे टेस्ट मैच में शिकस्त दे दी। 5 मैचेस की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 2-1 की बर्तरी हासिल है। लीड्स में खेले गए टेस्ट के चौथे रोज 291 रन के हदफ के ताकब में इंग्लिश टीम ने दूसरी इनिंग्स 27 रन बगैर नुकसान के दोबारा शुरू की, तो इसे जीत के लिए मजीद 224 रन दरकार थे। जैक क्रॉली 44, बेन डकेट 22, मुइन अली 5, जो रूट 21, बेन स्टोक्स 13 और जॉनी बेयरस्टो 5 रन बना सके। हैरी ब्रुक ने 75 रन की इनिंग्स खेलकर टीम की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। पहली इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया ने 263 और इंग्लैंड ने 237 रन बनाए थे। सीरीज का चौथा टेस्ट 19 जुलाई से मैनचेस्टर में शुरू होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जेरे तमाम खवातीन के स्किल्स कैंप का पहला मरहला नेशनल क्रिकेट अकेडमी लाहौर में खत्म हो गया। कैंप में खिलाड़ियों को अपनी महारत और फिटनेस में इजाफे के साथ साथ टेक्निक में बेहतरी लाने का मौका मिला। कैंप की निगरानी पाकिस्तान वुमेन्स टीम के सपोर्ट स्टाफ ने की, जिसके सरबराह हेड कोच मार्क कोल्स हैं। पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेटर्स के स्किल्स कैंप का दूसरा मरहला 13 से 17 जुलाई तक हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर कराची में मुनक्किद होगा, जिसमें 20 क्रिकेटर्स हिस्सा लेंगी। जनाजन, इसके साथ ही खबरनामा अपने इख्तिताम को पहुंचता है। आप हमारे साथ रहे, आपका बहुत शुक्रिया। रिजवान रौनक और नाजिया खान को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने कहा।